ठीक है, उसमें फंक्शन सारे बनाना पड़ता है और कुछ अंतर नहीं है। तो क्रांत में क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो अभी हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया, अब अपना इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिकली टोटल चार टॉपिक्स आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। एक अपना है पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो बोर्ड पर लिख दिया मैंने। इसी का अगला पार्ट आएगा अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया। इसके बाद आएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और आखिरी पार्ट जो है वो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व। ये चार टॉपिक है इसमें, इनडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये बेसिकली चार टॉपिक है ना, चारों अलग नहीं है। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे ये कंप्लीट टॉपिक बेस्ड है, मतलब अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हारा ठीक से होगा तो ये अपना डेफिनेट क्या नाम डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से कर सकते। इसमें और इसमें फर्क यही है कि इसमें इंटीग्रेशन दिया होगा और इसमें एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होगा, हमें इंटीग्रेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। तो दिस पार्ट इज द इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, वो इनडायरेक्टली एप्लीकेशन होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो कंसेप्ट यहाँ लर्न करोगे कंप्लीटली यहाँ वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना वो पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व में आएगा। ठीक है, तो है दो ही डिफरेंट टॉपिक, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दो मेन पार्ट है। इनके बेस या इनडायरेक्टली एप्लीकेशन जो फर्दर दो टॉपिक्स है, डेफिनेट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, और जो एरिया अंडर द कर्व है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। और पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सब्जेक्टिव जो पेपर था तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादा क्वेश्चन आते थे, मतलब बैलेंस में था, या फिर कभी कभी इसमें ज्यादा भी आते थे। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या हो गया कि इनडेफिनेट से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं और डेफिनेट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंस पड़ा है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है आपके अप्रोच के ऊपर आंसर्स का आना डिपेंड करता है, मतलब सेम क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा अप्रोच अप्लाई करा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसका थोड़ा सा कम इसका इंपॉर्टेंस हुआ है, लेकिन जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा, और जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा। तो सारे लिंक्ड है, सारे चारों टॉपिक में अल्टीमेटली वी हैव टू डील ओनली क्या इंटीग्रेशन ही करने, एक जगह डेफिनेट है एक जगह इनडेफिनेट है, मतलब करना हमने को इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, उसी का अदर अदर फॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कहीं कहीं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी बोला जाता है, कहीं कहीं दिया होता है। तो देखो डिफरेंट जो इंटीग्रेशन है ना, देखो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, चीजों को ऐड करना, और डिफरेंशियल मतलब चीजों को क्या करना, ब्रेक करना, अलग अलग टुकड़ों में बांटने को क्या करेंगे डिफरेंशियल बोलेंगे, और उनको ऐड करना है तो क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन जो है ना बेसिकली जो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में किया था ना सिग्मा, अगर तुम्हें याद हो, याद है सिग्मा, इसका क्या क्या जोड़ना ही तो है, क्या करता है एडिशन ही तो करना है ना, सिग्मा का काम क्या है एडिशन करना, बस ये क्या करता है डिस्क्रीट फंक्शन को ऐड करता है। याद है तुम्हें ऐसे लिखते थे ना सिग्मा, मान लो यहाँ पर कोई आर का फंक्शन है आर इक्वल टू 1 से 10 का, ये ऐसे लिखते थे ना। इस सिंबल का काम भी क्या होता है, इस सिंबल का काम भी एडिशन ही होता है, बस इसमें जो चीजों को ऐड करता है ना वो क्या करता है वो डिस्क्रीट फंक्शन, डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ अलग अलग मतलब टुकड़ों में विभाजित, जैसे R 1 से 10 है तो क्या डाल सकते हैं 1 2 3 इस तरह से 10 तक, यानी 1 डालोगे तो उसका आगे का नंबर क्या आएगा 2 आएगा, मतलब 1 से 2 जाओगे डायरेक्ट जंप कर जाए, 1 से 2 के बीच में कौन से नंबर्स हैं वन से टू
के बीच में कौन से नंबर है वो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, इसीलिए इसको डिस्क्रीट फंक्शन का एडिशन बोलते हैं, ठीक है, यही अगर कंटिन्यूअस आ जाए तो वो सिंबल का जैसा सिग्मा ऐसे बन जाता है, यही मान लो एफ आर डी आर हो गया, तो ये एस का फॉर्म होता है, ये है ना समेशन में क्या होता है एस आता है ना, एस से ही ये इंटीग्रेशन का है ना सिंबल जनरेट होता है, जो इंटीग्रेशन का हम सिंबल लिखते हैं दैट इज वो एस से आया, एस मतलब समेशन, ठीक है ना, तो उसी से ये सिंबल निकाला गया समेशन का जो इंटीग्रेशन में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एफ आर यहाँ भी है, एफ आर यहाँ भी है, ठीक है, बस यहाँ देखो आर वन से टेन तक है ना, डी आर का मतलब क्या होगा डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है बहुत छोटा नंबर होता है, तो ये क्या अगर मान लो यहाँ वन से टेन तक डालोगे ना तो ये डिस्क्रीट नहीं होता, वन से टेन तक के सारे वैल्यूज जो फंक्शन का आएगा ना एफ आर का उन सारे आउटपुट को निकाल के एड के तुम्हें दे देगा वो, ठीक है ना, फर्क यही है, यहाँ पर ये देगा एफ वन प्लस एफ टू एंड डॉट डॉट एफ टेन तक, ये इन वैल्यूज को ऐड करेगा डिस्क्रीट वैल्यूज, लेकिन अगर इसमें डी आर और वन से टेन तक लगाओगे ना तो एफ आर जो फंक्शन है उसका वन से टेन तक जितने नंबर है, वन के आगे वन से टू तक जितने नंबर है सारे वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो एफ आर का आउटपुट आएगा ना उन सारे आउटपुट को क्या दे देगा एड करके दे देगा, तो बेसिकली ये जो है ना ये यूज कब करते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, ठीक है, ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का दिस इज यूज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये क्या होता है डिस्क्रीट फंक्शन, दोनों में फर्क यही है, काम दोनों का सेम है, ठीक है ना, ये भी चीजों को ऐड ही करता है और ये भी ऐड ही करता है, बस ये फर्क यही है कि ये डिस्क्रीट फंक्शन को ऐड करता है, डिस्क्रीट नंबर्स को ऐड करता है और ये कंटिन्यूअस नंबर को ऐड करता है, समझ गए हो गए इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, हाँ भाई इंटीग्रेशन का पहला ही क्लास है, तुम्हें क्लास से पता नहीं चल रहा जैसे मैं स्टार्ट किया हूँ पहला ही होगा, ठीक है समझ गए इसमें, तो इसका काम ही है चीजों को ऐड करना, बस ये कंटिन्यूअस चीजों को ऐड करता है और ये डिस्क्रीट चीजों को ऐड करता है, ठीक है, देखो इसका नाम में एंटी डेरिवेटिव है तो है क्या इसका डिफिनेशन भी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला हम इसी से निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना देखो बेस यही से बनता है, अगर इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट आपका स्ट्रोक रहेगा तो डेफिनेट अच्छा होगा, डेफिनेट अच्छा हो गया अगर ये दो टॉपिक अच्छे हो गए आपके, फिर आपके बाकी के दो जो टॉपिक होंगे ना उसमें समझो कि आप क्या करोगे रिवीजन एक तरह से करोगे, कॉन्सेप्ट तो नए आएंगे ही उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो नए कॉन्सेप्ट जो होंगे जैसे एलसीडी याद करो, लिमिट अगर अच्छा होगा तो कंटिन्यूटी भी अच्छा होगा डिफरेंशियलिटी भी अच्छा होगा, लेकिन लिमिट से थोड़ा अलग तो है ही, बस बेस्ड जो है ना उनका जो बेसिक है वो लिमिट पर बेस्ड है, सेम वही बात है कि बाकी जो दो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है, तो अगर बाकी अच्छे करोगे तो हलवा ही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लिंक करोगे तो हाँ चलो, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, अब देखो ऐसा कि एक एग्जांपल समझो कि मान लो साइन एक्स है, अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, ठीक है, अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कॉस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आएगा, इसको ब्रेक किया तो ये आया, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या है साइन एक्स, सिंबल ये होता है इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हो, ये साइन के साथ क्या है नीचे डी है, तो साइन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो सिमिलरली वो है कॉस को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो डी एक्स बताएगा वो, ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या आएगा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक और बताओ कि मैं अगर ऐसे पूछूं d ऑफ साइन एक्स प्लस मान लो 4 दे दिया तो ये क्या आएगा कॉस ही आएगा, आएगा यहां 4 की जगह मान लो कोई भी कांस्टेंट c डाल दो तो फर्क पड़ेगा नहीं,
साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ही तो आएगा। उसी तरीके से होता है कि देखो अगर कॉस एक्स और डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो साइन आएगा लेकिन एक साथ में सी आएगा। सी को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इसको। मतलब सी कुड बी एनी रियल नंबर, 2, 4, 6 कुछ भी डाल दो उसके आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सी जनरल देखो कहने का मतलब साइन का डिफरेंशियल कॉस होगा, साइन प्लस 2 का डिफरेंशियल भी कॉस होगा, साइन प्लस 8 का डिफरेंशियल भी कॉस होगा, साइन प्लस 100 का डिफरेंशियल भी कॉस होगा। तो सी में कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रियल नंबर डाल दो तुम उसके वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका उल्टा होगा। तो कॉस का इस्तेमाल इधर इंटीग्रेट करेंगे तो भाई यही आएगा साइन एक्स प्लस सी। तो सी क्या होगा? एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गया ना, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रूल। ये सी आ गया ना, सी के कारण ये क्या हो गया? इंडेफिनिट। क्योंकि क्या हो गया देखो, सी क्या है? सी कोई भी कॉन्स्टेंट है, ध्यान समझ लें आप इस बार कि सी कैसा है, कोई भी कॉन्स्टेंट है। तो किसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तुम तो उसमें उसका रिजल्ट तो आएगा ही जो उसका डिफरेंशियल में था, साथ में प्लस सी भी आता है, ठीक है। सी क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा? हाँ? इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, देखो साइन एक्स में सी ऐड कर दिया, देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये साइन साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें साइन एक्स प्लस अगर 2 मान लो ऐड कर दिया साइन एक्स प्लस 2 हो गया, ये साइन एक्स का था, प्लस 2 ऐड करोगे तो पूरा ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, 3 ऐड करोगे तो 3 यूनिट ऊपर जाएगा, माइनस 4 करोगे तो पूरा ग्राफ 4 यूनिट से नीचे आ जाएगा। यानी जो ग्राफ का फ्लक्चुएशन होगा या शिफ्टिंग होगा वो वाई एक्सिस में ऊपर नीचे होगा। तो जब ग्राफ को ऊपर नीचे करोगे तो उसमें क्या होगा? सारे कर्व एक दूसरे से क्या होगा? पैरेलल होंगे। तो सी आ जाने के कारण जो नेट में कर्व बनता है ना उसको क्या बोलते हैं? इट इज जो भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्व होंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व, सॉरी मतलब सेम कर्व के ऊपर नीचे कर्व रिप्रेजेंट करेगा, तो उसी को कंबाइंड वे बोल सकते हैं फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। तो जो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आउटपुट आता है ना, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ पैरेलल कर्व्स या फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। तो ध्यान रखना कभी कभी ट्रू फॉल्स में सब चीजें आ सकती है, एक्सप्लेनेशन मतलब कोई असर्शन रीजन में आ सकता है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट आते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल कर्व्स। समझ लो सी क्यों आ रहा है? समझ में आ गया ना? क्योंकि सी के होने से इसके आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर सी 0 डाल दोगे तो वही आ जाएगा। हमें तो जनरल एक्सप्लेनेशन देना है ना। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? डाउट किसी को? क्या लिख रखा है ऊपर वाला ग्राफ गलत लग रहा है? ए, बता तो दिया था डाउट, डिस्कस तो किया था, जो तुमने पूछा था बता तो दिया था लास्ट क्लास में। नहीं है? ठीक है चलो। तो सी में याद रखना कि भाई इनडेफिनिट में
फर्क ही पड़ेगा कि जब भी कोई इंटीग्रेशन को लिखोगे ना तो उसको फाइनली सी ऐड करना पड़ेगा, और ये ग्राफ सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना। साइन में टू ऐड करोगे तो पूरा ग्राफ टू यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ऑफ समझो कि मान लो साइन थ्री एक्स है, साइन थ्री एक्स है, तो साइन थ्री एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस इंटू क्या हो जाएगा, थ्री के थ्री, ये तो आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका ये मतलब हुआ कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, यानी इंटीग्रल है 3 cos 3x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin 3x प्लस c, ये आएगा, सही लिखा ना। अगर इसका डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रल ये बनेगा, मैंने लिख दिया, और यह 3 मल्टीप्लाई में तो 3 अगर डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, cos 3x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin 3x upon 3 प्लस c, पे फर्क पड़ेगा नहीं, सी तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, थ्री से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक काम कर सकते हो, यहाँ सी डाल दो, यहाँ सी वन डाल दो, क्योंकि भाई सी को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 248 कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ेगा, उस सी में कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट करो कुछ मल्टीप्लाई करो, नंबर की बात करो या डिवाइड करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एक इसमें कंसेप्ट निकल के आता है, देखो कॉस थ्री एक्स का साइन थ्री एक्स का अगर डिफरेंशियल किया तो एक्स का कोफिशिएंट 3 था, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो गया, अगर उल्टा cos 3x को इंटीग्रेट करोगे तो साइन तो आएगा ही आएगा, साथ में एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो नंबर कौन सा है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि सिंस इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में हमेशा x के कोफिशिएंट्स को लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां उल्टा प्रोसेस होगा, तो जब भी इंटीग्रेट करोगे ना तो लास्ट में जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने ये लिखा था cos x इक्वल टू क्या लिखा, sin x प्लस c, अब इसमें डिवाइड में 1 कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 से डिवाइड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। cos को जब डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो cos sin x / x, sin x / 1, क्यों 1 क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 था। तो हमें बस ये याद रखना है दिमाग में कि वो लिंक थोड़ा थोड़ा हमें डिफरेंशिएशन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल हमने बहुत किया तो उसमें काफी कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग, तो आपको याद उसी तरीके से करना है, ठीक है। कि कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया साइन, और एक्स का कोफिशिएंट क्या था वन, तो हमें याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कुछ आ रहा है तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वही लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट जो भी नंबर है उस नंबर से फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो कंसेप्ट यहाँ पर अलग हमने करा, पहला कि जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो एक प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, एंड सेकेंडली कि भाई अगर एक्स का कुछ कोफिशिएंट है तो फाइनली उसके इंटीग्रेशन के आउटपुट में उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये दो कंसेप्ट थोड़े अलग है। अब फंक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा देख लेना, बड़ा एक टेबल बनेगा, ठीक है।
चलो तो सबसे पहला जो है पहला एक्स की पावर है ना, तो देखो सोचना ऐसे ही है कि देखो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पावर कम करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो एक्स की पावर एन था, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, मतलब ऐसा एन माइनस वन नहीं होगा, वो बताता हूँ क्यों नहीं होगा, ठीक है, जैसे मान लो ऐसा आ गया एक्स की पावर 3/2, ठीक है, ये आ गया, तो क्या करेंगे, इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c हो गया, ठीक है, x n बस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, वो आगे बताता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट हुआ, इसका जनरल लिखोगे तो ऐसे आता है, देखो जनरल ऐसे आता है कि ax प्लस b, यानी यहाँ कोई भी लीनियर हो, लीनियर फंक्शन जनरल लिख दिया, इसी में ए को वन कर दो बी को जीरो कर दो तो यही बन जाएगा, ए वन और बी जीरो करोगे तो यही तो बनेगा, तो ये जो तुमने रिजल्ट लिखा ना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लीनियर फंक्शन, ठीक है ना, एक्स की पावर एक उसका एक पार्टिकुलर पार्ट है, ठीक है ना, जनरलाइज करोगे तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी, इसका जब रिजल्ट लिखोगे तो क्या आएगा, सेम इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बस एक अलग आएगा, याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, वन नहीं है ना, यहाँ तो वन था लेकिन यहाँ वन नहीं है, तो जो कोएफिशिएंट होगा अल्टीमेटली फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ इंटू वन बाई स्टैंडर्ड यही है, ठीक है, फर्क क्या आ गया, बस हमारे पास एक यही आ गया कि जो एक्स का कोएफिशिएंट था उसे हमें अल्टीमेटली हर बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मान लो ऐसा है 1 माइनस 2x की पावर मान लो 4/3 है dx, क्या करें 1 माइनस 2x की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है ना, ध्यान रखना मैं लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिलेट कर पाओ आप उससे कि कैसा फॉर्मेट आ सकता है, 4/3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई भी नंबर हो, बस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, वो आगे मैं बताता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब देखो याद कैसे करना, हमें उल्टा सोचना है, जैसे मान लो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है, तो ये सोचो कि 1 बाई एक्स किस फंक्शन का डिफरेंशियल होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या किया, ये 1 बाई ए है, 1 बाई ए है ना, एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो उसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बताते ना अभी x का जो भी कोफिशियंट होगा फाइनली हमें लास्ट में उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्योंकि भाई डिफरेंशियल में वो मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो क्या करना पड़ेगा, उससे कोफिशियंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाँ तो देखो शुरू में क्या होता है कंफ्यूजन होता है कभी कभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में, तो मैं शुरू में ही बोलूंगा कि ऐसे याद करो कि भाई 1 बाई एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, तो ln x का, तो अगर 1 बाई एक्स का जो है वो ln x का डिफरेंशियल है तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे ln x प्लस, अब तुम समझ गए माइनस वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे x माइनस n माइनस वन होगा इसमें आ जाएगा वो, ठीक है, इसलिए n लिखा है माइनस वन नहीं होगा, ठीक है, इसी का जनरल लिखा जाए तो ऐसा होगा, हाँ
हमेशा लिनियर के लिए वैलिड होगा, ध्यान रखना है, सारे लिनियर फंक्शंस होते हैं सारे, सब में जो आगे भी पढ़ोगे ना, एक्स का हमेशा लिनियर कोफिशिएंट देखा जाता है। तो dx अपॉन देखो, ये भी लिनियर था, ये भी लिनियर है, फर्क क्या आ गया कि यहाँ पर a1 हो गया, b0 हो गया। तो जैसे a1 b0 करोगे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें भी क्या आएगा, ln ax plus b upon a आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी लीनियर हो या ऐसे याद रख सकते हो, वन अपॉन लीनियर हर जगह वही आएगा, फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ लीनियर फंक्शन, इस तरीके से। ठीक है, अब वो डिवाइड होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि भाई एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है। रिजल्ट लिखने का तरीका वही है कि रिवर्स सोचो आप, कि जो फंक्शन हमने लिखा है वो किस फंक्शन का डिफरेंशियल है। ठीक है ना, हमें यही हर बार सोचना है। अब मान लो e की पावर x है, तो पता ही है e की पावर x क्या होता है, उसका डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो इंटीग्रल भी वही आएगा, यानी हर बार मैं जनरल लिखूंगा। ठीक है ना, यानी अपने पास आ गया क्या, e की पावर ax plus b, अभी भी e की पावर लिनियर ही है, तो क्या आएगा, ये वही e की पावर ax plus b डिवाइड बाय a plus c। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो e की पावर 2 minus 3x, तो क्या आ जाएगा, e की पावर होगी 2 माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस सी। बस e का जो डिग्री सॉरी कोफिशिएंट जो पावर होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, इसी में अगर तुम्हें याद हो a की पावर x का क्या होता है डिफरेंशियल, a की पावर x इनटू ln a होता है, तो उसमें ln a मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ डिवाइड करेंगे। इसी का जनरल ठीक है, मान लो कॉस है, तो हमें सोचना वही, देखो कॉस और साइन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो कॉस का है तो कॉस किसका डिफरेंशियल है भाई, साइन का, कॉस जो है वो साइन का डिफरेंशियल है, फिर कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन। ax plus b है, मतलब ये होगा कि मान लो ऐसा आ गया cos 2x minus 1 upon 3 को इंटीग्रेट करो, देखो cos ऑफ लीनियर है तो वही है, sin 2x minus 1 upon 3 divide by 2 by 3, 2 by 3 क्यों है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 by 3 था।
मैं लिखते जाता हूँ, रिजल्ट लिखते चलो याद करके, ठीक है? खुद से याद करोगे तो बेहतर होगा मेरा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि किसका रिजल्ट क्या आएगा, तो हमें यही सोचना है कि उस वो फंक्शन बताना जिसका डिफरेंशियल ये सारे दिए हुए हैं। देख लेना तो बताना। रिजल्ट पूरा हो जाए तो पूरा बता देना, लिखना नहीं है रिजल्ट, कॉपी में लिख लो फिर बता दो, फिर मैं रिजल्ट लिख दूंगा ना। रिजल्ट होगा ये तो
इसमें एक छूट गया उससे और डिलीट लेना ये लिखना टैन वाला एक कोसेक वाला ये जो है ना ये वाला ये प्रूफ करेंगे आगे ठीक है ये जो है अभी लिख लो आगे प्रूफ कराऊंगा जब इंटीग्रेशन आगे करेंगे ये और ये दोनों प्रूफ कराऊंगा मैं ठीक है अब एक आखिरी इसका टोटल इतने फॉर्मूले हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं मतलब और भी आगे आएगा लेकिन नोट कर लो फिर बताना आप लिखते हैं कहीं मॉड में लिखा होता है कहीं नहीं लिखा होता है इनडेफिनेट में बहुत फर्क नहीं पड़ता कहीं कहीं मॉड होता है कहीं कहीं नहीं होता तो जाएगा नहीं यार ऊपर से यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना करना हो तो नोट कर लिया संदेह देखो सारे याद होने चाहिए ठीक है
इनडेफिनेट में देखोगे कि बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप भी बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें डेफिनेट के रिस्पेक्ट में, तो इसमें थोड़ा याद ज्यादा करना पड़ता है आपको कंसेप्ट वाइज भी और फॉर्मूला वाइज भी। शुरू में थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट होता है कन्वर्ट करना है भाई कौन सा है, क्या रिजल्ट क्या होगा, तो स्टार्टिंग में दिक्कत हो तो उसी तरीके सोचो कि कौन से फंक्शन का ये डिफरेंशियल है। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सारे होने चाहिए याद, जितना याद होगा उतने तुम्हारी स्पीड अच्छी होगी, मिस्टेक्स के चांस कम होंगे। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेट करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसी पे बेस। लास्ट वाला इंटीग्रेशन कौन सा जो हमने पॉइंट्स में लिखा था वो वाला पूछ रहे हो? सेक इनवर्स वो तो बताया था ना, आगे मैं प्रूफ कराऊंगा उसका। एक था नहीं ये वाला ना, ये वाला पूछ रहे हो? हाँ तो ये अभी रिजल्ट याद रख लो, ठीक है ना, आगे प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, प्रूफ तो करेंगे वो तीनों में, साइन वाला भी टैन वाला भी, ये तीनों प्रूफ करेंगे आगे। ठीक है, अभी उतना कंसेप्ट हमने लर्न नहीं करा, स्टार्टिंग है तो फिर आगे मैं प्रूफ कराऊंगा।
जितना मैं लिख रहा हूँ इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, सारे स्टैंडर्ड है। हो रहा है ना सारे? हो गया, रिजल्ट लिख रहे हो ना, तो डाउट हो बोल देना कौन सा है, ठीक है, मैं बता दूंगा। ये क्या है? ये अपना 1 - 2x^-1/2, ये है ना इंटीग्रेशन, एंड x^n फॉर्म, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? 1 - 2x^-1/2 + 1 - 1/2 + 1 into 1/(-2) + c। सी निकालना, थोड़े सी लिखना यार, निकाल के सकते हो सी? सी कैसे निकलेगा बताओ जरा, सी हमें लिखना है, निकालना नहीं है। साइन लिखे, ये साइन कैसे लोगे भाई, कैसे साइन आएगा बताना जरा, साइन कहां से आएगा? साइन, साइन एक्स वाला साइन बोल रहा हूं ना, साइन कैसे आएगा इसमें? नहीं, साइन इनवर्स कहां से आ गया? ये गड़बड़ है भाई, वो ऐसा होता है dx/√(1 - x²), तब होता ना, ये थोड़े ही इसको ऐसा कर देंगे √x², फिर गड़बड़ है। मैं बार बार लिनियर क्यों बोल रहा हूँ भाई, जितने फॉर्मूला था उसमें मैं कितनी बार बोला भी और लिखा भी कि उसका हमेशा x लिनियर में होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में लॉग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लॉग में क्या होता है, लीनियर होता है ना। ये क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो 1/4 ऐसे होता है 1 - 2x dx, अगर इसका पावर हाफ नहीं होता तो लॉग आता, पावर है ना, तो पावर है तो फिर x^n वाले फॉर्मेट में जाएगा ना। समझा? समझा लॉग क्यों नहीं आएगा? अगर 1/4 सिंपल ये होता विदाउट, हाँ ठीक है,
देखो इंटीग्रेशन में बहुत डाउट होते हैं तो क्लियर करते चलना, हाँ नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा फिर। हाँ सेकंड हो गया होगा, e की पावर ln x क्या होता है, x होता है, ये तो लॉग का प्रॉपर्टीज है। नहीं याद है तो फिर तो मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकता बेटा। ए की पावर में लॉग टू द बेस 8 और नंबर बी है, तो अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो बी नीचे आ जाएगा। ई है ln है log बेस की है तो फिर x बाहर आ जाएगा। सिक्स वाला आसान है, सोचो तो, पूछ लोगे तो फिर कैसे अपना सोचोगे, सोचो तो सही, थोड़े देर तो सोचो। मैंने क्या बोला, ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से अलग अलग मैंने दिया है ताकि ऐसा नहीं कि लगे कि भाई कुछ है ही नहीं इसमें, जान प्राणी नहीं है। हाँ थोड़ा तो डिफरेंस है ही, लेकिन सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सोच के लगाओ। दस मिनट का टाइम देता हूँ, करो एक बार पूरा, अगर बीच में ना बने तो छोड़ के आगे बनाते चलो। अरे ये क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हो क्या कि चेन रूल लगाओगे, यार चेन रूल कहाँ है भाई अभी। देखो याद रखना जितना रिजल्ट तुमने लिखा ना, सारे रिजल्ट में जो एक्स था ना वो लिनियर था, ध्यान रखना उस बात को। हाँ इसको ऐसा नहीं कि ई की पावर एक्स का इसको लिख दिया ई की पावर एल ने फिर वो गलत हो जाएगा भाई। e की पावर x का e की पावर x होता है या e की पावर लिनियर का e की पावर लिनियर होगा, उसके अलावा कोई पावर है तो फिर वो कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो। आइदर यू हैव टू चेंज इनटू लिनियर फॉर्म या फिर आपको दूसरी मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे।
देखो थर्ड में ये तो होगा थर्ड 3x को क्या लिख सकते हैं 3 ln x को एक ln x क्यूब लिख सकते हैं प्लस 2 ही है अब अगर पावर में है तो दोनों इंडिविजुअली हमने अलग अलग कर दिया तो ये e की पावर ln x क्यूब में x क्यूब नीचे हो जाएगा अभी सेकंड वाला कांसेप्ट e स्क्वायर तो है ही ये क्या हो गया ये हो गया ये स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर आ गया तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx हो गया लिख तो दिया है पढ़ो तो सही क्या लिखा है सारे स्टेप लिखे हुए हैं उसमें 3 ln x plus 2 को ही तो लिखा है 3 मल्टीपल में x की पावर में चला जाएगा ना वो पूरा पावर में है तो पावर को स्प्लिट कर दिया e की पावर एक पावर e की पावर दूसरा पावर p कांस्टेंट है तो e स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा जो नहीं बनता है उसको छोड़ के आगे करो ये बोल रहा हूँ मैं पूरा एक बार कर तो लो फिर जो डाउट होगा मैं डिस्कस कर दूंगा बेटा मैं तुम्हें अब इसमें डाउट नहीं बताऊंगा ठीक है ना तुम जाके पहले लॉग रिवाइज करो तुम बार बार कोई लॉग वाला डाउट पूछते रहते हो मैं 100 बार बोल चुका हूँ लॉग बहुत बार आएगा उसको पढ़ गया हो कोई नंबर में अगर कोई पावर है लॉग में है तो पावर बाहर आ जाएगा एंड वाइस वर्सा अगर लॉग का कोई कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट क्या आएगा नंबर के ऊपर आ जाएगा दसवीं का बच्चा बता देगा ये लॉग पढ़ा हुआ तो लॉग रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा वैसे रोड के बिना पढ़े तुम काम निकाल लोगे ये काम चल जाएगा काम तो करना पड़ेगा ना लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज है एकदम बेसिक है पहला काम यही सीखते हैं लॉग कि अगर लॉग का नंबर का पावर है तो पावर बाहर आ जाएगा अगर बाहर कोई नंबर है तो नंबर के पावर में आ जाएगा तो थ्री इसके कोफिशिएंट में था तो पावर में आ गया
वन टू क्या थर्ड हो गया ना, फोर्थ से सिक्स में कोई डाउट है बताओ? फोर्थ से सिक्स में कोई डाउट? फोर एंड सिक्स और तो एक्स की पावर एन टाइप का यार। ये एलएन टू क्या है? कांस्टेंट है ना यार, टू कांस्टेंट है, कुछ भी लगाओ तो कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपल है ना, एक्स की पावर एलएन टू प्लस वन अपॉन एलएन टू प्लस वन प्लस सी। सिक्स में तो अलग अलग डिवाइड कर दो, फिफ्थ में भी वही है। फिफ्थ में एक प्रॉपर्टी पड़ा होगा लॉ में, ये बेस और लॉ का नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लॉ का प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। इसका आंसर ये मत लिख लेना, टू की पावर एक्स में टू की पावर एल एन एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर एल एन टू। एक्स और टू को आपस में इंटरचेंज कर देंगे इस प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो एक्स और टू को आपस में इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा? एक्स की पावर एल एन टू बन जाएगा, फिर यही क्वेश्चन बन जाएगा। ये और सिक्स में एक्स क्यूब को अलग अलग डिवाइड कर लो सब में, क्या फर्क पड़ेगा? सिक्स में एक्स को अलग अलग डिवाइड कर लो, समझ गए ना? ये सिक्स तो हो गया, अब देखो सेवंथ बताता हूँ। सेवंथ एक ऐसा क्वेश्चन है जो आगे जाके इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुम्हें, तो ये समझ लो इसको, ठीक है। एक्स भी है थोड़ा अलग ले लिया मैंने, मान लो लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस वन उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर नीचे लीनियर हो ना और ऊपर भी लीनियर हो, तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो नीचे लीनियर है ना एग्जैक्टली सेम लीनियर हम न्यूमरेटर में भी फॉर्म कर ले, बना ले हम उसको। अब देखो नीचे थ्री एक्स माइनस वन है और ऊपर केवल एक्स है, तो हमें जो नीचे है वही ऊपर बनाना है, तो नीचे वाले को अगर ऊपर बनाना है तो नीचे थ्री मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते, पहले हमने क्या किया कि थ्री एक्स था और यहाँ थ्री था, सॉरी एक्स था, तो हमने थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ माइनस वन है तो एक काम करो माइनस वन कर लो, तो माइनस वन करेंगे तो प्लस वन भी करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली जो डिनोमिनेटर में था वही न्यूमरेटर में हमने फॉर्म कर लिया ऑफ डी एक्स। अब अलग अलग डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? वन समझ
समझ गए? चलो इसको नोट कर लो, बाकी सारे कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? जो ये है ना उसी टाइप पे ये भी है, इसमें रेशनलाइज कर लेंगे, बस अपने आप करोगे हो जाएगा सारे। देखो बेसिक्स है लेकिन बहुत सारे बनेंगे नहीं इसमें, है बेसिक्स लेकिन वही बात है, ठीक है? चलो ठीक है कर लेना, नेक्स्ट क्लास में कोई और ना बने तो मैं डिस्कस कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मेन पार्ट है इंटीग्रेशन का, बहुत बेसिक्स है और हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल होता है। ठीक है चलो फिर आप कर लेना, ठीक है? ओके थैंक यू।